हमारा अर्थ पूरा कवर्ड है ऐप से, वेबसाइट से, यानी कि हमारे अर्थ में इतने बहुत सारे, हमारे प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो पूरा अर्थ है वो अलग अलग तरह के, अलग अलग उनके जो बेनिफिट्स होते हैं ऐप्स की, सब पूरा अर्थ जो है हमारा वो ऐप और वेबसाइट से घिरा हुआ है। यहाँ पर हर एक यूज़र, हर एक मोबाइल, हर एक सेकेंड में कोई ना कोई ऐप ज़रूर खुला है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और अभी भी आपने यूट्यूब खोल कर रखा है क्योंकि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐप हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर सकते हैं, बहुत ही मतलब यूजफुल हो सकते हैं स्टूडेंट के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट। तो देखते हैं कौन कौन सा वो ऐप है। तो सबसे पहला जो ऐप है वो है टास्क। टास्क जो है ये गूगल ने इसको बनाया है, ये टास्क ऐप को। ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये स्टूडेंट के लिए भी होता है क्योंकि स्टूडेंट लोग अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं उनको करने के लिए, तो स्टूडेंट के लिए भी होगा ये, बिजनेसमैन के लिए भी होगा। बेसिकली जो भी अपने लाइफ में जैसे कि बहुत सारे वो अपने रोल प्ले करता है, बहुत सारे काम करता है, उसके लिए टास्क जो एप्लीकेशन है बहुत ही सही है क्योंकि आप इसमें अपने टास्क को कुछ ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने इधर पे लिखा है नॉलेज एक्स, उसके नीचे लिखा है सब्सक्राइब नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, फिर शेयर कर दिया आपने, फिर लाइक भी कर दिया इस वीडियो को, तो मैं इसको ऐसे बारीकी से क्लिक करूँगा, उसके बाद जो यहाँ पर ऐसा मेरे लाइक नाउ, शेयर नाउ और सब्सक्राइब नाउ पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर ऐसा लाइन मतलब आ जाएगा कि आपने ये सब चीज़ कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टास्क है वो गूगल से है और ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि अगर आप कहीं भी हो तो आपको ये याद दिलाएगा। अगर आप इसको डेट वाइज भी लिखना चाहो तो डेट ऊपर लिखो, उसके बाद ऐड करो कि आपको क्या क्या करने का है आज के दिन। तो बेसिकली बहुत ठीक था। और सेकेंड ऐप जो है वो है हमारा WPS Office बेसिकली बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आप PDF जो भी आता है आपके स्कूल से किसी भी चीज़ का, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, XLS भी आप बना सकते हैं, Excel भी बना सकते हैं, PDF भी आप बना सकते हैं, इसमें PPT भी बना सकते हैं, यानी कि इसमें हर चीज़ है WPS Office में, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही सही साबित हो सकता है। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आज की इस दुनिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और आपको बहुत सारे अपने वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स के लैंग्वेजेस भी हैं, तो आप इसमें जो चाहे वो लैंग्वेज आप सीख सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा, अगर आप कहीं हो या फिर कोई भी आपके पास कोई भी किताब है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली बस खाली कैमरा को क्लिक कर सकते, स्कैन करके आपको जिस लैंग्वेज में वो चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं। फिर कन्वर्सेशन, अगर दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है उसको अंडरस्टैंडिंग करने का, तो ये इसके लिए भी ये सही है। आपको माइक है, हैंडराइटिंग से आप कुछ, अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत होती है आप उसको लिख के भी इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज़ ये है, इसके लिए आपको ऐप की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यूट्यूब खोलने का है और यूट्यूब में जाके सर्च करना है नॉलेज एक्स और फिर उसको जाके सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।